सर अपना तारफ कराएं, आप योगा ग्रुप के मेंबर हैं जी। मेरा नाम असफन अहमद है जी। अवान मार्केट से ताल्लुक है, अवान मार्केट में रिहाइश है हमारी जी। अल्लाह का शुक्र है, मुझे कुछ शुगर का मसला हो रहा था तो अल्लाह का शुक्र एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं, इसकी वजह से काफ़ी मुझे फ़र्क पड़ गया है। एक्सरसाइज करने की वजह से दवाई वगैरह नहीं मुझे खानी पड़ती जी जी। और ब्लड प्रेशर का भी मसला था, वो भी अल्लाह का शुक्र उसके भी कोई दवाई नहीं खा रहा जी जी। असन भाई, ये आप अभी योगा क्लब मार्टाउन में यहाँ तकरीब यौम आज़ादी की हुई हैं तो आप उसको मैसेज देना चाहें? हाँ बस जी, इस दिन को याद रखना चाहिए, इस दिन हमारे बुज़ुर्गों ने बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं, तो इसका अच्छा तरीकाकार यही है कि उनको इसाल सवाब किया जाए और उनके लिए दुआएँ भी की जाएँ और इस मुल्क के बारे में अच्छा सोचा जाए कि इस मुल्क के अंदर हम ऐसा अच्छा काम करें कि यहाँ पर जो हमारे बाद हमें आने वाले लोग जो हैं उनका भी फ़ायदा हो, हर लिहाज से अपने मुल्क के बारे में बेहतर सोचा जाए। इंशाल्लाह हर बंदे की अगर ये सोच होगी कि हमारा मुल्क अच्छा चलने वाला बन जाए, हमारे मुल्क का फ़ायदा हो, तो इंशाल्लाह इस मुल्क की तरक्की शुरू हो जाएगी। सर आपकी मसरूफियात और आपने थोड़ा सा तारफ़ करा दें मज़ीद। हमारा जो है ना कारोबार है, ये पंखे वगैरह का सेल, पंखे वगैरह का कारोबार है। तो इस वक्त तो कारोबार अरूज पे होगा? हाँ अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि आज भी अभी हफ्ज़ है। और ये बताएं कि ये जो इस वक्त कौम फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, नौजवान नस्ल बाहर जा रहे हैं, भाग रहे हैं मुल्क से, उसकी क्या वजह है, किस तरह ये आज़ादी की कदर करें? आपसे तो अगर कोई बंदा मेहनत करता है ना तो अल्लाह पाक उसको ज़रूर उसका बदला देते हैं जी जी। मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, आप इधर करें या उधर करें, यहाँ आप सोए रहते हैं फिर कहते हैं हम इधर, हम लोग जी मेहनत करते नहीं हैं, 12 में दुकानें खुल रही होती हैं हमारी और जो रात को कई देर तक लोग जागते रहते हैं। एक तो हमारी नाकामी की ये वजह भी है कि रात को लेट तक जागना और सुबह लेट उठना जी जी। ये भी हमारी नाकामी की एक वजह है जी जी। दूसरी ये वजह है कि हम लोग अगर मेहनत को मोहब्बत करें ना मेहनत से जी जी। कि इंशाल्लाह हर काम के अंदर हमने मेहनत करनी है जी जी। और इंशाल्लाह यही इधर भी हमारे लिए काम बहुत है, हम अपनी इधर प्रोडक्शन तैयार करने वाले बन जाए कि हमारे दूसरे मुल्कों को हमसे फ़ायदा हो जी। बहुत शुक्रिया।